दौरान बेहतरीन सेवाएं देकर आपने जिस तरह से लोगों की मदद की और नाम भी कमाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक पद से हटाना पड़ा? आप जैसे ही कहा, हम केवल इसमें मेरा ही पूरा योगदान नहीं रहा कोविड पीरियड में, हमारी सभी डॉक्टर नर्सेज वार्ड बॉय स्वीपर सभी लोगों का योगदान रहा और उसके वजह से हम लोग अन्य संभागों की तुलना में बहुत बेहतरीन मरीजों को सेवा दे पाए हैं और काफ़ी कम मॉर्टेलिटी के साथ में हम लोगों ने काफ़ी कोविड के द्वारा जो जान जा सकती थी उसको बचाया जा सका। और अभी भी हमारी टीम पूरी सतत प्रयास करती है कि हम अपने संस्था को और अधिक से अधिक उच्च स्तर पर लेकर जाएं अन्य कॉलेजों की तुलना में, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के कंसल्टेंट हो या सर्जरी के, जैसे डॉक्टर प्रियंक शर्मा, विष्णु पटेल, दिनेश पटेल, ये लोग जिस भी काफ़ी मेहनत करते हुए अपने संस्था के लिए कोशिश करते हैं। अभी जो घटना हुई है उसमें अब हम लोगों ने जो इसका जो विश्लेषण किया गया कि हम लोग कोशिश ही करते हैं कि हमारा जो स्टाफ अधिक से अधिक जो है लोगों को परेशानी ना हो और कार्य करता रहे, तो हमारा क्लरिकल स्टाफ और हमारे अन्य स्टाफ पूरी कोशिश करते रहते थे, पर कई स्टाफ ऐसे होते हैं कि जिनको हमको थोड़ा सा शोकल नोटिस देना होता है या उनको दिशा निर्देश देना होता है कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे एक हमारे प्रकरण भी ये हुआ था कि हमारी नर्सेस बहनों को समय वेतन नहीं दिया जा रहा था, तो हमने उस कर्मचारियों को काफ़ी कड़े शब्दों में जब कहा और हमारी जो नर्सेस को जो उनको हक था उनका वो दिलवाया था। तो कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि किसी क्लरिकल स्टाफ को पे कार्रवाई की जाना, जिस मामले में नाम आ रहा है, जिस मामले में कहा जा रहा है और चर्चा ये है कि उसमें जो फोटोकॉपीज यहाँ आई हैं सबके पास उसमें दंडित किया गया है, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जो पत्र प्राप्त हुआ हैगा उसमें जो हमारे लेखापाल टी के शुक्ला साहब, तो मेरी कोई उससे कोई पर्सनल कोई दुर्भावना वश ये कार्रवाई नहीं थी, ये कुछ हमारे यहाँ पर संविदा से रेगुलर कुछ कर्मचारी हुए थे, उसी में कमिश्नर साहब के यहाँ से एक दिशा निर्देश आए थे कि जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करें और कार्रवाई करें, मतलब उसके लिए तो कमेटी भी बनी हो। कोविड के दौरान बेहतरीन सेवाएं देकर आपने जिस तरह से लोगों की मदद की और नाम भी कमाया, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक पद से हटाना पड़ा? आप जैसे ही कहा, हम केवल इसमें मेरा ही पूरा योगदान नहीं रहा कोविड पीरियड में, हमारी सभी डॉक्टर नर्सेज वार्ड बॉय स्वीपर सभी लोगों का योगदान रहा और उसके वजह से हम लोग अन्य संभागों की तुलना में बहुत बेहतरीन मरीजों को सेवा दे पाए हैं और काफ़ी कम मॉर्टेलिटी के साथ में हम लोगों ने काफ़ी कोविड के द्वारा जो जान जा सकती थी उसको बचाया जा सका। और अभी भी हमारी टीम पूरी सतत प्रयास करती है कि हम अपने संस्था को और अधिक से अधिक उच्च स्तर पर लेकर जाएं अन्य कॉलेजों की तुलना में, और हमारे जितने भी सहयोगी हैं चाहे वो डिपार्टमेंट ऑफ मेडिसिन के कंसल्टेंट हो या सर्जरी के, जैसे डॉक्टर प्रियंक शर्मा, विष्णु पटेल, दिनेश पटेल, ये लोग जिस भी काफ़ी मेहनत करते हुए अपने संस्था के लिए कोशिश करते हैं। अभी जो घटना हुई है उसमें अब हम लोगों ने जो इसका जो विश्लेषण किया गया कि हम लोग कोशिश ही करते हैं कि हमारा जो स्टाफ अधिक से अधिक जो है लोगों को परेशानी ना हो और कार्य करता रहे, तो हमारा क्लरिकल स्टाफ और हमारे अन्य स्टाफ पूरी कोशिश करते रहते थे, पर कई स्टाफ ऐसे होते हैं कि जिनको हमको थोड़ा सा शोकल नोटिस देना होता है या उनको दिशा निर्देश देना होता है कि भाई लोग परेशान हो रहे हैं। जैसे एक हमारे प्रकरण भी ये हुआ था कि हमारी नर्सेस बहनों को समय वेतन नहीं दिया जा रहा था, तो हमने उस कर्मचारियों को काफ़ी कड़े शब्दों में जब कहा और हमारी जो नर्सेस को जो उनको हक था उनका वो दिलवाया था। तो कभी कभी इस तरह का हो जाता है कि किसी क्लरिकल स्टाफ को पे कार्रवाई की जाना, जिस मामले में नाम आ रहा है, जिस मामले में कहा जा रहा है और चर्चा ये है कि उसमें जो फोटोकॉपीज यहाँ आई हैं सबके पास उसमें दंडित किया गया है, तो उस मामले में क्या कहना चाहेंगे आप? जो पत्र प्राप्त हुआ हैगा उसमें जो हमारे लेखापाल टी के शुक्ला साहब, तो मेरी कोई उससे कोई पर्सनल कोई दुर्भावना वश ये कार्रवाई नहीं थी, ये कुछ हमारे यहाँ पर संविदा से रेगुलर कुछ कर्मचारी हुए थे, उसी में कमिश्नर साहब के यहाँ से एक दिशा निर्देश आए थे कि जो भी लोग हैं उनको चिन्हित करें और कार्रवाई करें।
मतलब उसके लिए तो कमेटी भी बनी हो। तो ये था कि कौन कौन व्यक्ति उसको आइडेंटिफाई करे, तो पहला चरण में यही हुआ। तो उसमें इस चरण में जो भी नाम आए उसमें हमारे जो व्यक्ति थे लेखापाल वी किशोर, सबका भी नाम आया। और हम लोगों ने फिर उनकी कार्रवाई हेतु भी एक समिति बनाई और उन समिति ने अपनी कार्रवाई अभी प्रचलन में है, अभी पूरी तरह से बस इंक्वायरी स्टार्ट ही हुई थी। हाँ, अब ये है इसी दौरान ये कार्रवाई हम लोगों ने जब ये जब पत्र आया तो इस समय इसमें थोड़ा समय लगा। तो कमेटी में आपके अलावा और भी कुछ लोग रहे? कमेटी अलग रहती थी। उसका चेयरमैन कौन? उसमें हमारे जो हमको चिन्हित करने के लिए बोला था उसमें डॉक्टर शशिधर गर्ग ने पूरी अच्छे से कार्रवाई की। और इसके अलावा हमारे जो अधीनस्थ लोग थे, हमारा क्लरिकल स्टाफ और हमारे प्रशासकीय अधिकारी जो थे, इन लोगों ने उस पर पूरी छानबीन की और उसके तत्पश्चात ही हमारे जो लेखापाल थे उस पर कार्रवाई का निर्णय लिया। नहीं तो उसमें कहा यह जा रहा है कि आपने अधिकारों का दुरुपयोग किया है। इसमें जिस तरह से जिस स्टेप से हम लोग चले थे जब, तो कार्रवाई बहुत ही सटीक चल रही थी। धीरे धीरे हम एक एक कदम सही करते हुए बढ़ रहे थे और हमने इसमें शासन ने हमें बुलाया भी था, इसके लिए हम शासन को गए थे, शासन के नॉलेज में भी थी ये बात और उन लोगों ने हमें बुलाया भी था, तो हम उसका जवाब देने हम लोगों ने अपना जवाब भी दिया हुआ है शासन को। ऐसा भी नहीं था कि शासन को ये बात का पता नहीं था। ये कार्रवाई करने से पहले सर आपको क्या नोटिस दी गई थी? नहीं, मुझे अभी इसके बारे में कोई अचानक ही मुझे ये लेटर की प्राप्ति हुई है, लेकिन किसी तरह का मुझे कोई कारण बताओ नोटिस या किसी समिति के द्वारा बुलाया जाना ऐसा नहीं हुआ। क्या कोई बड़ा स्कैम था इसके पीछे कि इस बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, कोई साजिश की गई? नहीं, ऐसा घोटाला पकड़ने वाले थे और उसके पहले ही नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या सर ये माना जाए कि एक डॉक्टर बाबुओं की गलती या बाबुओं की गलतियों का शिकार हो गया, उसको खामियाजा भुगतना पड़ रहा? नहीं, अब वो बाबुओं का मैं ये नहीं कह सकता हूँ, वो व्यक्ति विशेष के को चिन्हित किया गया था हमारी समिति ने, इसलिए उन पे हमें समिति के अनुसार कार्रवाई करना उन लोगों ने सुनिश्चित किया था। श्याम सा मेडिकल कॉलेज के आप इस कार्रवाई को सही मानते हैं गलत, इस तरह की ये हम हमारे जो हमारे सीनियर्स हैं इन लोगों से भी हम अपना विश्लेषण कर लेंगे, उसके बाद ही कह पाएंगे। उस शासन सर्वोपरि ठीक।